Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ जनसभा को संबोधित करते हुए मेरठ में 517 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ वो पौराणिक भूमि है जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज से 5000 साल पूर्व मेरठ के हसनापुर में ही भारत का इतिहास रचा गया था। आजादी की लड़ाई के दौरान भी मेरठ ने भारत का इतिहास रचा। साथ ही कहा कि दुनिया भर में होने वाले तमाम खेलों का सामान भी मेरठ में ही मिलता है। मेरठ की इन सभी खूबियों को देखते हुए डबल इंजन की सरकार लगातार मेरठ के लिए विकास कार्य कर रही है। साथ ही कहा कि जब मेरठ और दिल्ली की दूरी कम की जा सकती है तो मेरठ और प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम की जाएगी, जिसके लिए गंगा एक्सप्रेस वे यहां से बनाया जा रहा है जो महज 4.5 घंटे में लखनऊ और मेरठ का सफर तय करेगा। साथ ही माफियाओं पर शिकंजा कसने, महिला सुरक्षा बढ़ाने आदि को लेकर भी डबल इंजन की सरकार की खूबियां बताई। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ को क्या तोहफा दिया। एक ओर मेरठ में 517 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है और दूसरा आप सबको इस बात के लिए कि डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो कार्य हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा पहली बार शहरी क्षेत्र में भी गरीब को सिर ढकने के लिए आवास मिल सकता है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हुई है और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास 10 लाख और आवास हैं जिनको वितरण की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए हर नागरिक के पास अपनी छत होगी। प्रदेश और देश जिस रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, दुनिया के अंदर आज इसकी धमक सुनाई दे रही है, उसकी पहली शर्त है अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवाद और किसी भी प्रकार के अलगाववाद और अराजकता को पूरी तरह समाप्त करना। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। आपने 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी का सरकी सरकार का गठन किया। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दे रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आस्था का सम्मान करने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देने वाली बन चुकी है। और भाइयों बहनों, इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और नहीं तो ये गुंडे, माफिया, ये अपराधी बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद करा देते, व्यापारी और उद्यमियों को गुंडा टैक्स देना होता था, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, जो निवेश किया है वह निवेश छोड़ करके भागता था। आज आप देख रहे होंगे एक पेशेवर माफिया और अपराधी आज गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकते, आज ये किसी सत्ता में किसी ठेके में जबरन नहीं कर सकते, आज वे जाकर के किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको पहले ही दिन कह दिया गया था कि अगर प्रदेश के अंदर कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई हरकत की तो फिर जान के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज अपराधियों को गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए भी आप देख रहे होंगे। और इसीलिए आज मैं आपके लिए आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि निवेश और रोजगार की पहली शर्त होती है सुरक्षा की। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रही है और डबल इंजन की सरकार बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है और स्मार्ट सिटी में और उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी, हर प्रकार की यहां पर जितनी भी सुगमता के साथ आपके निवेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी
राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को और मेरठ वासियों को 517 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। उससे पहले खतौली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा, हम लोगों ने मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर बनाया है। पहले यहां पर केरान और कांधाला से प्लान होता था, हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे, अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज केरान और कांधला का प्लान बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से केरान और कांधला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है, बहन और बेटियां सुरक्षित हुई हैं, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। और भाइयों बहनों, सपा और लोकदल की ये जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। केरान और कांधला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं, फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए, तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकतार गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।